दिस इज राधिका गौड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना। तो देखिए, आपको एक चीज़ बहुत आसानी से मैं समझा देती हूँ। सोलर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पता होना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए क्यों सोचा है? क्यों? क्योंकि देखिए, सोलर सिस्टम जो है ना हमारा, वो एंटायर सिस्टम है। देखिए, जब तक हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमें अपने जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा सोलर सिस्टम डील कर रहा है, उसके बारे में हमें पता है? ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो चलिए, इस सेशन में हम सोलर सिस्टम के बारे में ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हमारी आती है कि जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो सर्कलिंग होती है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। समझे? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? द सर्कलिंग ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। क्लियर? रोटेशन का मतलब हुआ स्पिनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब देखिए, यदि आपके पास ये पैन है, क्लियर, यदि इसके अराउंड कोई चीज़ चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे रिवॉल्वेशन। वहीं पे यदि ये पैन खुद ऐसे अपनी ही एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम रोटेशन। क्लियर? ये हुआ डिफरेंस रिवॉल्यूशन में और रोटेशन के बीच में। कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद में बात आती है हमारी कि जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स के थ्रू बम्बार्ड होते हैं, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी रिंग्स होती हैं और उनमें गैसियस स्फीयर्स मिलता है। यदि हम मैं पूछूँ ऑर्बिट क्या होता है, तो स्पेसिफिक पाथ जो कोई भी प्लेनेट या सैटेलाइट कवर करती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं किसी भी प्लेनेट की? मतलब किसी भी चीज़ को हम प्लेनेट कब कह सकते हैं? तो प्लेनेट तब कह सकते हैं जब वो 3 शर्तों को पूरा करे। शर्त नंबर 1, जो प्लेनेट है वो उसकी एक ऑर्बिट होनी चाहिए सन के अराउंड। दूसरी नंबर शर्त, इट हैज़ टू हैव इनफ मास टू बिकम राउंड। राउंड लगाने के लिए उसको प्रॉपर एक उसमें मास होना चाहिए जो वो राउंड कहला सके। तीसरी चीज़ ये है, उसका ओन पाथ होना चाहिए, ओन ऑर्बिट होनी चाहिए उसकी सन के अराउंड ट्रेवल करने की। यदि ये 3 शर्तें वो पूरी करता है तो कोई भी चीज़ को हम प्लेनेट कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं। तो ड्वार्फ प्लेनेट न्यू क्लास ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? 3 ड्वार्फ प्लेनेट्स के नाम, तो देखिए प्लूटो, सीरियस और आयरिस, ये 3 हमारे ड्वार्फ प्लेनेट्स हैं। तो चलिए फटाफट से शॉर्ट में हम इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि जो इनर प्लेनेट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो मैंने बताया आपको 4 इनर प्लेनेट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इनर प्लेनेट है हमारा मरकरी। क्लियर? तो मरकरी क्या होता है? मरकरी जो है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि कोई भी सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी के जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर हीलियम और सोडियम से बना हुआ है। क्लियर? 3 प्रोसेस जो हैं वो मरकरी में रहते हैं, शेप देते हैं। पहली चीज़, वहाँ पे इम्पैक्ट क्रेटरिंग है। क्लियर? दैट इज़ सम लार्ज ऑब्जेक्ट्स स्टक द सर्फेस। वॉल्केनिज्म है, लावा फ्लडेड है वहाँ पे सरफेस पे, और टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। मतलब जब भी जो प्लेनेट है उसमें क्रस्ट मूव होता है तो कोलाइड करते हैं। क्लियर? तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम आएगी। दूसरा प्लेनेट होता है हमारा वीनस। वीनस की जो सोलर डिस्टेंस है वो 102.2 मिलियन किलोमीटर है। उसकी जो रिवोल्यूशन स्पीड है वो 2.24.7 डेज है अर्थ के डेज के अकॉर्डिंग। रोटेशन पीरियड 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, और डायमीटर उसका कितना होता है? 12,100 किलोमीटर उसका डायमीटर होता है। ये आप पिक्चर तो देख ही सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं वीनस के बारे में। एक और चीज़, वीनस को हम इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे हम इसको ब्राइटेस्ट प्लेनेट की तरह देख सकते हैं और अर्थ से आराम से दिखाई दे सकता है। जो 2 एलिमेंट इसके एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो रिटारोग्रेड रोटेशन है ये यहाँ पे फॉलो करता है। अच्छा, वीनस का जो एक डे है वो एक ईयर से ज़्यादा है अर्थ पे जो ईयर होती है। उसका एक रीज़न है,
मतलब अराउंड हम कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट रोटेट्स इन रिट्रोग्रेड रोटेशन एंड रोटेशन टेक्स 243 डेज, बट द ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स 225 डेज, एंड दैट इज वाई कि विनस पे जो एक दिन होता है वो एक साल से भी बड़ा होता है, मतलब उल्टा होता है अर्थ के. अर्थ में क्या होता है हमारा 365 डेज एक ईयर के बराबर होते हैं, बट विनस पे ऐसा नहीं होता, विनस पे एक साल एक दिन से बड़ा होता है. ठीक है, यदि आप स्टैंड कर रहे हो विनस पे तो आपको जो सन है वो वेस्ट से उगता हुआ दिखेगा, ना कि ईस्ट से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो विनस है वो रिट्रोग्रेड रोटेशन से करता है, अपोजिट साइड से वो रोटेट करता है. ठीक है, और जो विनस है वो हॉटेस्ट प्लेनेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से काफ़ी हीट क्या होती है, कवर हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा मरकरी. मरकरी की एवरेज सोलर डिस्टेंस 57.8 है, रिवॉल्यूशन स्पीड इसका 87.9 अर्थ रेस के बराबर होता है, रोटेशन इसका कितना होता है, रोटेशन इसका होता है 58.6 अर्थ रेस के बराबर, डायमीटर इसका होता है 4878 किलोमीटर. क्लियर, आगे चलते हैं अर्थ के बारे में. तो एवरेज सोलर डिस्टेंस जो होती है अर्थ की वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है, रिवॉल्यूशन स्पीड 365.26 अर्थ डेज होती है. क्लियर, बट हम जनरली 365 डेज को लेके चलते हैं. रोटेशन पीरियड इसका 23.93 आवर्स होता है, लेकिन जनरली हम 24 आवर्स लेके चलते हैं. डायमीटर हमारा इसका होता है 12,756 किलोमीटर. क्लियर, अच्छा नेक्स्ट चीज मार्स आता है अब हमारा. तो एवरेज सोलर डिस्टेंस जो है मार्स की वो कितनी है, 228 मिलियन किलोमीटर होता है, रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी होती है, 686.98 अर्थ डेज होता है, रोटेशन पीरियड कितना होता है, 24.6 आवर्स के बराबर होता है, और डायमीटर इसका होता है 6786 किलोमीटर के बराबर. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे के रोटेशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड, सोलर डिस्टेंस, डायमीटर और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप अपने सोलर सिस्टम को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा मार्स के बारे में और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए अर्थ के बारे में मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई क्योंकि अर्थ के बारे में ऑलमोस्ट हर फैक्ट आपको अच्छे से पता है. आपको पता है अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसपे अभी तक लाइफ के बारे में हमारे साइंटिस्ट देख पाए हैं, अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसपे ग्रीनरी काफ़ी है, उस पर वाटर काफ़ी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, ये शायद मुझे बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलो मार्स के बारे में पढ़ते हैं. तो मार्स के बारे में हमें ये एविडेंस मिला है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मार्स पे लाइफ होने के कुछ तो जो एविडेंस हैं वो प्राप्त किए हैं. कुछ मेटेरियल्स के वहाँ पे हमें पार्ट्स मिले हैं. जो प्राइमरी एलिमेंट है वहाँ पे एटमॉस्फेयर का वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये जो मार्स है वो रेड अपीयर होता है, उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे मार्शियन सरफेस है जो कि रॉक्स एंड सॉइल से कवर्ड है, दैट्स वाई वहाँ पे जो सरफेस है वो हमें रेड अपीयर होता है. जो मार्स है वहाँ पे हमें एक और वर्ड सुनने को मिलता है, ओलंपियस मॉन्स. तो ये लार्जेस्ट वॉल्केनोज है सोलर सिस्टम का, जो लगभग 600 किलोमीटर वाइड है, 26 किलोमीटर हाइट है उसकी, और वो हमें मार्स पे ही देखने को मिलता है. दो सैटेलाइट भी हैं मार्स की, एक है हमारी फोबोस और दूसरी है हमारी डाइमोस. ये हमारी सैटेलाइट होती है मार्स की, इसकी भी आपको याद रखनी है. अच्छा, अर्थ की सैटेलाइट आपको पता है, मून हमारे अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है. उसके अलावा जो भी सैटेलाइट अर्थ पे हैं वो हमारे यहाँ से साइंटिस्टों ने भेजी हुई हैं. आगे चलते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स के बारे में. क्लियर, जो मैंने आपको बताए थे आउटर प्लैनेट्स कितने हैं. तो आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहले जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं. जुपिटर का सोलर डिस्टेंस कितना है, 778.3 मिलियन किलोमीटर, रिवॉल्यूशन पीरियड 11.78 अर्थ ईयर्स होता है, रोटेशन पीरियड 9 आवर्स 55 मिनट्स है, और डायमीटर इसका 1,43,000 किलोमीटर के बराबर रहता है. जो जुपिटर है उसकी जो शेप है वो अफेक्ट होती है प्लेनेट रोटेशन से, जिसकी वजह से जो उसका इक्वेटर है वो फ्लैटन हो गया है थोड़ा. क्लियर, जो एलिमेंट्स हैं वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है. यहाँ पे एक जेंट रेड कलर का स्टॉफ होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द हरिकेन लाइक स्टॉर्म इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. इस पे लगभग 63 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर होता है. क्लियर, नेक्स्ट देखिए सोलर डिस्टेंस कितनी है सैटर्न. सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं. शनि, शनि की जो सोलर डिस्टेंस है वो 1.429 बिलियन किलोमीटर है, रिवॉल्यूशन पीरियड 29.46 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है,
रोटेशन ये 10 hours 40 minutes में कंप्लीट कर लेता है, और डायमीटर इसका कितना है 1,20,660 किलोमीटर के बराबर इसका डायमीटर है। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न के बारे में कुछ और चीजें थी जो आपको पढ़ना जानना है, जैसे जो सैटर्न है उसके एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, इसके जो रिंग्स बने होते हैं ठीक है, दैट आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स, क्लियर। अच्छा कंपोजिशन क्या है रिंग्स का, सैटेलाइट से के जो पार्टिकल्स हैं उनसे वो रिंग्स बने हुए हैं। जो सैटर्न है वो वाटर में फ्लोट क्यों कर सकता है, तो बेसिकली इसकी लोएस्ट डेंसिटी होती है हमारे सोलर सिस्टम में, दैट्स वाई ये वाटर में फ्लोट कर सकता है। जो ये सीजन कितने दिन तक एंड होते हैं, तो जो सैटर्न है वहां पे 7 अर्थ ईयर्स के बराबर सीजन लगता है एक सीजन चेंज होने में। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस, ये हमारा एक और प्लेनेट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसकी सोलर डिस्टेंस होती है 2.871 बिलियन किलोमीटर, रिवोल्यूशन पीरियड है 84.1 अर्थ ईयर्स के बराबर, रोटेशन पीरियड है 17 hours 14 minutes के बराबर, और डायमीटर है इसका 51,118 के बराबर। यूरेनस पे जो 98 डिग्री पे वो टिका हुआ है और हम उसे अर्थ से देख सकते हैं, ये रोटेट करता है उसकी साइड में। वहां पे एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन हीलियम मीथेन का है और 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हमें मिली हैं। यदि नेपच्यून की बात करें तो वहां पे जो सोलर डिस्टेंस है वो 4.501 बिलियन किलोमीटर का है, रिवोल्यूशन पीरियड जो है वहां पे 164.79 अर्थ ईयर्स है, रोटेशन वहां पे 16.11 आवर्स का है, और डायमीटर वहां पे 49.258 किलोमीटर का है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम, मैंने आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में बता दिया, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं ये भी बता दिया, और जो भी हमारे मेन 8 हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप देखिए नेपच्यून के बारे में ये और समझ लीजिए कि जो नेपच्यून है वहां पे एटमॉस्फेयर अमोनिया हीलियम और मीथेन का होता है, 13 उसकी हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। बाकी ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।